भाई 17,000 का फोन इतना कम में मिल रहा है, कोई ना कोई झोल तो रहा होगा ना। ओके, तो ये है हमारे पास Vivo का मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन Vivo T1 5G। और भाई इस वाले फोन को मैंने OLX से परचेज करा है, मेरे को ये फोन काफी कम में मिल गया। मेरे को ये एक सीख भी मिल गई कि भाई जहां पे चीजें सस्ती मिल रही हो वहां पे अक्सर कुछ ना कुछ झोल होता है। अब इस वाले फोन में भाई मेरे को एक काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कह सकते हो कि भाई प्रॉब्लम नहीं, ये तो महा प्रॉब्लम हो गई, मतलब पूरा फोन ही बर्बाद हो गया, अब इसका कोई काम ही नहीं। खैर जो भी हो, मैं वाले फोन को कुछ टाइम से टेस्ट कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इस वाले फोन को अभी के टाइम पे लेने की सोच रहे हो तो क्या अभी इस वाले फोन को लेना वर्थ है या फिर नहीं है। एंड गाइस, अभी इस वाले फोन को एक साल हो चुका है इंडिया में आए हुए, और अभी भी भाई काफी लोगों के अंदर इस वाले फोन का क्रेज है, बिकॉज भाई कुछ चीजें ये आपको काफी अच्छी दे रहा है। तो भाई लाइक टारगेट सेट करते हैं 500 का, आई होप आप पूरा कर दोगे। वैसे भाई मैंने इस वाले फोन को जिससे लिया है वो भाई इस वाले फोन को 3 मंथ ही यूज करे थे, और मेरे को बॉक्स में सभी कुछ मिला है भाई। यहाँ पे मेरे को बिल मिला है, चार्जर मिला है, हालांकि जो ये केबल है ये ओरिजिनल नहीं है Vivo का। और बात करूं इसकी बिल्ड एंड डिजाइन की, इसका जो बैक पैनल है भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर चेंज करता है, रेनबो इफेक्ट का बोलते हैं इसको Vivo वाले। फोन मैट फिनिश के साथ आता है, इस पे भाई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते हैं, एंड गाइस स्क्रैचेस वगैरह भी आपको इस पे जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी भाई हेवी फील नहीं होता है, और आप वन हैंड इस वाले फोन को यूज नहीं कर पाओगे। और इसमें पोर्ट्स एंड बटन सारे दे रखे हैं, इंक्लूड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और नॉइस कैंसिलेशन माइक भी है। और इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भाई काफी फास्ट है भाई, फेस लॉक वगैरह भी काफी सही काम करता है भाई। इस वाले फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, हालांकि मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट भाई सिंगल स्पीकर के हिसाब से इसकी जो लाउडनेस है वो मेरे को काफी अच्छी लगी। और वही दोस्तों, इस वाले फोन में आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है, हालांकि यहाँ पे IPS पैनल है, इसका आप ध्यान रखना। यहाँ पे इस वाले फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि भाई डे टू डे यूज में एक्चुअल फील होता है। 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है, जो कि गेमिंग वगैरह के दौरान इसका जो टच है वो थोड़ा और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। और इस वाले फोन की भाई ब्राइटनेस वगैरह भी मेरे को अच्छी लगी, आउटडोर में अगर आप यूज करो तो डिस्प्ले इजीली विजुअल हो जाता है, वहां पे भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो ना भाई, तो वहां पे भी आपको कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। IPS के हिसाब से भाई अच्छी है, लेकिन अगर आप एमुलेट के बाद IPS में स्विच करोगे तो आपको थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह मिसिंग देखने को मिलेंगे। बात करूं इस वाले फोन की कैमरे की ना भाई, तो कैमरा इसका काफी ज्यादा मेरे को इंप्रेस करा। इस वाले फोन से मैंने फोटोज वगैरह ट्राई करे हैं भाई, कलर्स वगैरह फोटोज के अच्छे आते हैं भाई, इवन लाइट कंट्रोल जो है वो भी काफी अच्छी आती है, और पोर्ट्रेट भाई बहुत ही खतरनाक आती है भाई। अगर आप HDR वगैरह ऑन करके लेते हो ना फोटो, तो और बेटर फोटो आती है। और सेल्फी कैमरा भी हमने ट्राई करा है भाई, वहां पे भी फोटोज वगैरह काफी अच्छे निकल के आते हैं, डिटेलिंग वगैरह आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएंगे, इवन भाई लाइट कंट्रोल भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और इस वाले फोन से आप फुल HD वीडियो 60fps से रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो, और फ्रंट कैमरे से भाई आप फुल HD वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि देखो मैंने वीडियो सैंपल ली थी इस वाले फोन से, लेकिन भाई अभी इस वाले फोन में कुछ ऐसा हो गया है कि देखो अभी वो चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब जो फोटोज आप देख रहे थे स्क्रीन पे वो मेरे फ्रेंड की थी, तो उन्होंने ये कांड होने से पहले ही मेरे से फोटोज ले लिया था, तो अभी ये सारी फोटोज मैं अपने फ्रेंड से लेकर आपको दिखा रहा हूं। बाकी बात करूं इसकी सॉफ्टवेयर की, तो ये फोन भाई एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, और आपको फंटस OS 12 देखने को मिल जाएगा। बाकी यहां पे अगर मैं OS के एक्सपीरियंस की बात करूं, तो देखो यहां पे Vivo का हो या फिर IQ का हो, इन दोनों ही डिवाइस में मेरे को ना एक ही चीज पसंद नहीं आती, इनके फंटस OS में भाई ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग एनिमेशन वगैरह नहीं होता है, जो कि एकदम वाहियात लगता है, तो ये एक चीज Vivo वालों को ध्यान देना चाहिए। बाकी भाई OS वगैरह एकदम क्लीन है, यूजर फ्रेंडली है, कहीं पे भी आपको बग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो Vivo का प्री इंस्टॉल ब्राउजर आता है उनके अननेसेसरी नोटिफिकेशन वगैरह Vivo पुश करता है, बाकी उसको आप डिसेबल कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात करूं दोस्तों इसकी बैटरी बैकअप की ना, मैंने इस वाले फोन को नॉर्मल यूज करा है, मेरे को भाई 1.5 दिन का बैकअप आराम से मिल गया है। अगर आप हेवी यूजर हो तो आपको 1 दिन का बैकअप इजिली ये फोन निकाल कर दे देगा। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये फोन 18 वाट का ही फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, तो अगर आप 0 से 100 फोन को चार्ज करते हो ना, तो 2 आवर 15 मिनट के जैसा टाइम लगता है इस वाले फोन को 100 होने में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इस वाले फोन को चार्ज होने में, बट भाई बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। इस वाले फोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और मैंने इसकी अभी के टाइम पे दो इसको निकाली थी भाई 4 लाख
के प्लस निकल के आई थी। और यहाँ पे गीक बेंच वगैरह का स्कोर देख सकते हो, और सीपीयू थ्रॉटलिंग में ये मेरे को 88% का मैक्स परफॉर्मेंस निकाल कर दिया था। अब परफॉर्मेंस भी इस वाले फोन का काफी तगड़ा है भाई। मैंने इस वाले फोन में BGMI वगैरह प्ले करा है, वहां पे मेरे को कहीं पे भी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। काफी स्मूथली प्ले हो जाता है, आपको HD हाई की सेटिंग देखने को मिल जाएगी और स्मूथ पे आपको अल्ट्रा की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस, काफी लोगों का डाउट होता है कि भाई फोन हीट वगैरह होता है या फिर नहीं होता है, तो मेरे को इस वाले फोन में हीटिंग वगैरह का भी कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। ये फोन हीट वगैरह भी नहीं होता है भाई। और ये फोन जो है भाई UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ आता है। ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग भाई एनिमेशन वगैरह ना होने के कारण थोड़ा सा ऐसा डिले ओपन होता है, बट भाई नो डाउट यहाँ पे रैम मैनेजमेंट वगैरह काफी अच्छा है भाई। ऐप वगैरह को ये फोन काफी देर तक रैम में रख पाता है। अब देखो, ये फोन एक 5G डिवाइस है और इस वाले फोन में आपको सिर्फ दो ही 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है, N77 और N78। अब काफी लोग सोचेंगे भाई कि दो 5G बैंड दे रखे हैं तो 5G को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा ये फोन। तो देखो, ये जो दो 5G बैंड है ना, अभी इंडिया में ये दोनों 5G बैंड सपोर्टेड है। आप कोई भी एरिया से हो, अगर आपके एरिया में 5G आ गया है तो आपका फोन जो है वो 5G सपोर्ट करेगा। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है 4G 5G पे स्विच करके, क्योंकि भाई जो 5G बैंड है सिर्फ दो ही दे रखा है, तो आई थिंक कर सकता है लेकिन करना तो नहीं चाहिए। बाकी भाई यहाँ पे मैंने इस वाले फोन जो कॉलिंग वगैरह की है भाई, कॉलिंग वगैरह के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होती है। 4G प्लस का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इवन नॉइस कैंसिलेशन माइक है, तो भाई अगर आप नॉइजी एरिया में भी हो तो नॉइज को भाई एकदम क्लियर कर देता है, आपकी आवाज जो है एकदम अच्छी जाएगी। बाकी इसमें गूगल डायलर दे रखा है, तो अगर आप कॉल रिकॉर्ड वगैरह करोगे तो आंटी जो है वो अनाउंसमेंट कर देगी। देखो, मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस वाले फोन के साथ ना, कैमरे के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, इन टोटल सभी कुछ के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आई थिंक ये फोन आपको सेकंड हैंड मिल रहा है OLX से, फैमिली से, रिलेटिव से, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो भाई। अगर आप नया लेने की सोच रहे हो वो भी ले सकते हो भाई। अगर ऑफर वगैरह में कार्ड वगैरह लगाकर ये फोन आपको 12,000 का 13,000 का मिल जा रहा है, डेफिनेटली ले सकते हो भाई, काफी अच्छा फोन है। लेकिन रुको रुको, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इस वाले फोन को भाई OLX वगैरह से लेने जा रहे हो ना, ऐसा कोई सेकंड हैंड वगैरह आपको मिल रहा है तो एक चीज का ध्यान देना, जो कि मेरे साथ बहुत गंदा वाला स्कैम हो गया। अभी मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि अब ये फोन कोई काम का नहीं रहा भाई। मतलब भाई अभी मैं जब वीडियो ये शूट करने जा रहा था ना, इस वाले फोन का मैंने पावर बटन टाइप करा, एकदम से जो वीवो वाली की साउंड होती है ना ऐसा, तो इससे भी आ रहा था, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ आ ही नहीं रहा भाई। पूरा डिस्प्ले जो है वो ब्लैंक हो गया है। अब पता नहीं भाई इस वाले फोन में क्या हो गया नहीं हो गया। देखो, मैं ऑन भी कर रहा हूँ इस वाले फोन को, तो ऑन जो है वो नहीं हो रहा है, और मैंने फुल चार्ज कर रखा था। अब हालांकि मैंने सोचा कि चलो भाई इसमें आवाज कर रहा है, कटकुट आवाज कर रहा है, तो हो सकता है कि भाई ऑफ करके दोबारा ऑन करूं तो होने लगे। अब मैंने ऑफ कर दिया इस वाले फोन को, तो भाई दोबारा यहाँ पे जो आवाज हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। फोन जो है हमारा वो डेड हो चुका है। देखो, ये मेरे से नहीं हुआ है भाई, क्योंकि भाई 11,000 में मेरे को 3 महीना पुराना फोन, और वो भी 6,18,000 का फोन इतना कम में मिल रहा है। कोई ना कोई झोल तो रहा होगा ना, तबे ना इतना कम में गया। अब ये फोन हमको लगता है खुला भी हुआ है, तो देखो यहाँ पर से उठ रहा है। हाँ, अब तो मेरा भाई OLX से और OLX के लोगों से ट्रस्ट टूट गया है भाई। खैर, आप तो झेलना ही पड़ेगा, देखते सर्विस सेंटर ले जाके क्या होता है नहीं होता है। और भाई अगर आपका कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन रह चुका है तो भाई आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो कॉल पे बात करनी हो तो आप हमें फैन कॉल के द्वारा कॉल भी कर सकते हो, एकदम भाई फेस टू फेस बात करेंगे। बाकी भाई इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।